हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं राजू कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे आदमी का इसके ऊपर डाउट है, तो हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ड्यू डेट क्या है और बिलेटेड रिटर्न क्या है। आप ड्यू डेट के बाद आप आईटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं, उसमें बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंस है, आपको क्या इसमें बेनिफिट जो लूज करेंगे वो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जो ड्यू डेट है आईटी रिटर्न का, ड्यू डेट कौन सा सेक्शन में बोला गया है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बोला गया है। इसमें तीन डेट दिया गया है, एक 30 नवंबर का डेट दिया गया है, एक 31 अक्टूबर एक डेट दिया गया है और 31 जुलाई एक डेट दिया गया है। कौन सा आरसीसी के लिए क्या क्या डेट है बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहले एक बात करेंगे जिन लोगों का 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम लोग जो बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 22-23 फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। तो आपका ये सारा जो डेट रहेगा, 30 नवंबर हो या 31 अक्टूबर हो या फिर 31 जुलाई, ये जो है हम लोग फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22 का बात कर रहे हैं। तो इसका ड्यू डेट जो रहेगा 30 नवंबर 2022, 31 नवंबर 2022 एंड 31 जुलाई 2022, ठीक है। तीन डेट का हम लोग बात कर लिए, क्या क्या कौन सा आरसीसी के लिए कौन सा डेट है बात कर रहे हैं अभी, ध्यान सुनिए। जिन लोग का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, कोई भी आरसीसी हो, कोई भी आरसीसी कंपनी हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, पार्टनरशिप फार्म हो, कोई भी हो, उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका ऑडिट रिपोर्ट जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट रिपोर्ट जो है 92E में, अंडर सेक्शन 92E में ऑडिट रिपोर्ट जमा हो रहा है, उन लोग के केस में ITR का ड्यू डेट को क्या हो जाएगा, 30 नवंबर 2022 हो जाएगा फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22 का, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप फार्म का, उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो उसका तो पार्टनरशिप फार्म के लिए ITR हो गया 30 नवंबर, तो उसका पार्टनर का भी ड्यू डेट हो जाएगा 30 नवंबर, ठीक है, ये आपका ध्यान रह गया। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो बात कर लिया हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिन लोग का है, जिन लोग का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है उन लोग के लिए बात करेंगे, ठीक है। अभी ये जो बात करेंगे जिन लोग का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, मान लीजिए जिसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है वो कंपनी है, तो उसका ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2022, ठीक है। कंपनी होने के बाद, कंपनी हो गया, अभी कंपनी हो रहे हैं आप, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपका डेट हो गया 31 अक्टूबर, ठीक है। कंपनी छोड़ने के बाद जिन लोग का ऑडिट हो रहा है, कोई भी एक्ट का हिसाब से ऑडिट हो रहा है, कंपल्सरी ऑडिट है आपके लिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2022। ऐसे ही पार्टनरशिप फार्म का ऑडिट हो रहा है तो उसके लिए उसका ड्यू डेट हो गया 31 अक्टूबर, तो उसका पार्टनर का भी ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर, ठीक है। बाकी जो और बच गए हैं वो सब में आ जाएंगे क्या ना, 31 जुलाई 2022 में आ जाएंगे, उसका ड्यू डेट हो जाएगा। यानी तीन ड्यू डेट में दो ड्यू डेट क्या क्या हो गया, एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला वो हो जाएंगे 30 नवंबर में, जिन लोगों का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन कंपनी है तो उसका ड्यू डेट हो गया 31 अक्टूबर, और जिन लोग का ऑडिट हो रहा है, कोई भी लॉ का हिसाब से ऑडिट हो रहा है, वो लोग आ गए 31 अक्टूबर में, ठीक है। बाकी जो बच गए हैं, जैसे सैलरी पर्सन हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, जिन लोगों का टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो सब 31 जुलाई में आ जाएंगे। इस डेट के अंदर में आप रिटर्न फाइलिंग कर देते हैं तो आपका कोई इंटरेस्ट फाइन वगैरह कोई नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 का हिसाब से उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं, आपका जो असेसमेंट ईयर, रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है उसका तीन महीने, जो रिलीवेंट असेसमेंट जो एंड हो रहा है उस एंड का 3 महीना पहले तक आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपका रिलीवेंट असेसमेंट क्या है, 22-23, यानी एंड जो असेसमेंट ईयर हो रहा है 31 मार्च 2023, ठीक है, 2023, उसका 3 महीना बैक हो जाएंगे तो आपका कौन सा डेट आ रहा है, 31 दिसंबर 2022, वो आपका डेट रहेगा बिलेटेड रिटर्न। और 31 दिसंबर हो गया और आपका असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है जो डेट में, वो डेट व्हिच एवर इज
अर्लियर, जो अर्लियर डेट आएगा वो आपका बिलेटेड रिटर्न का लास्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते हैं आफ्टर ड्यू डेट के बाद, आपको इसमें क्या क्या आपका कॉन्सिक्वेंस है, इसमें आपको जो लॉस है एज पर सेक्शन 80 में जो लॉस बोला गया है, वो लॉस आपको सेटअप करने नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड भी करने नहीं मिलेगा, आप बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको बिलेटेड फाइल करते हैं, रिटर्न फाइलिंग करते हैं, उसमें 234 ए में 1% करके इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ 234 एफ में 1000 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा। 1000 किन लोग के लिए, जिन लोग का आफ्टर जो डिडक्शन के बाद नेट इनकम अप टू 5 लाख तक है, उन लोग के लिए 1000 रुपया फाइन लगेगा। जिन लोग का नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन के बाद जो इनकम आता है उसको बोलते हैं नेट इनकम या फिर टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन के बाद, उन लोग का 5 लाख से एक्सीड हो जाता है तो उन लोग के केस में 234 एफ में फाइन लगेगा 5000 रुपया, ठीक है। उसके साथ आपको जो रिफंड मिलता है, जो एक्सेस टीडीएस का थ्रू या फिर एडवांस टैक्स का थ्रू पेमेंट कर दिए थे, वो रिफंड मिलने वाला था, वो रिफंड आपको क्या हो जाएगा, इसमें जो फर्स्ट अप्रैल से जो डेट से मिलने वाला था वो रिफंड आपको 0.5% करके फर्स्ट अप्रैल से नहीं मिलेगा। जिस दिन आप बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग किए उसी दिन से लेके आपका रिटर्न इनिशिएट जिस दिन हुआ उसी दिन तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी वहाँ पे लॉस आपका इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा वहाँ पर अप्रैल से जो मिलने वाला था। ये सारा आपको कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो टाइमली आप रिटर्न फाइलिंग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी रिटर्न का अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपको और चीज़ बता देता हूँ, ये पेड सर्विस है, मेरा जो ईमेल आईडी जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोग को आईटी रिटर्न भरने में दिक्कत आ रहा है, बहुत कम पैसे में हम लोग रिटर्न फाइलिंग कर देते हैं, तो आपको रिटर्न फाइलिंग में आपको ज़रूरत होगा तो मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही फ्यू अमाउंट चार्जेस करते हैं हम लोग, आपका रिटर्न भर देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आज के इतने, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।